खबरें जैसी भी हो आप तक पहुंचाने का वादा। हम दिखाते हैं सिर्फ वही खबर जिस खबर से जुड़े हो जनता के मुद्दे। धूप से छांव तक और शहर से लेके गांव तक हम दिखाएंगे हर एक खबर सीआईबी इंडिया न्यूज पर। नमस्कार आदाब, मैं हूं वसीम अकरम। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सूबे के सीएम योगी दबंगों पर लगातार शिकंजा कसने की बात करते हैं, लेकिन दबंगों के आए दिन कोई ना कोई ऐसे कारनामे सामने आते रहते हैं जो नियम और कायदों को धता बताने में लगे हुए हैं। ताजा मामला फतेहपुर के इमादतपुर गांव का है, जहां दबंगों ने गांव की आबादी से लगी जमीन पर ईंट भट्टा खोल दिया है जो मानकों की धज्जियां उड़ा रहा है। वहीं गांव की आबादी और स्कूल से सटा होने की वजह से ग्रामीणों ने मामले की शिकायत जिले से लेकर शासन स्तर तक की, लेकिन कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं ग्रामीणों की माने तो शासन और पर्यावरण विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक ग्रामीण आबादी से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर ही भट्टा लगाया जा सकता है, लेकिन गांव के दबंगों ने प्रशासन से साठ गांठ करके नियमों को ताक पर रख कर शासन से ईंट भट्टे का लाइसेंस बनवा लिया। और तो और जब मामले में हमने जिम्मेदार अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो किसी ने भी इस मामले में कुछ भी बोलने से मना कर दिया और बनकर तैयार ईंट भट्टा चालू होने पर स्थानीय लोगों के साथ साथ स्कूल में पढ़ने वाले नौनिहालों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालेगा। आपको बता दें कि ईंट भट्टा चालू होने से स्थानीय लोगों के साथ साथ स्कूल में पढ़ने वाले नौनिहालों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालेगा, लेकिन दबंगों ने सिस्टम से सेट करके अपना काम सीधा कर लिया और सैकड़ों लोगों की जान से खिलवाड़ करने में जुटे हैं। कानूनी कार्रवाई सारा लेंगे, बिल्कुल जाएंगे यहाँ से वहाँ तक, चाहे हमको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, हाई कोर्ट जाना पड़े, धरना प्रदर्शन खूब करेंगे। अभी तक कहीं शिकायत किया है? अरे बहुत जगह शिकायत कर दी, कोई नहीं आया हमारे नोटिस में और न कोई हमको बताया। दो गाँव बगल का जो रामपुर जिसको 100 मीटर की दूरी पर बसा हुआ ज्वाइंट है, दोनों गांव एक ही ग्राम पंचायत में आते हैं, रामपुर मातपुर का एक ही प्रधान होता है। कहीं ना कहीं मिली भगत से ये भट्टा चला है? हाँ ऐसा लग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ये किसी की मिली भगत से चल रहा है जो बिल्कुल नाजायज है, बिल्कुल ये समझ लीजिए कि कौन है जिनका भट्टा है ये भट्टा? यहाँ के हैं भूत ब्लॉक प्रमुख इंद्र सेन जी है। अच्छा, यहाँ की पार्टी से? ये पार्टी साफ समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं। कब से भट्टा ये चला रहे हैं? भट्टा आपको कब चला रहा है? भट्टा तो हम बहुत साल से चला ये रहे। भट्टा जो 7-8-9 साल से। अच्छा, यहाँ के गांव वालों का आरोप है कि आप भट्टा गांव के बीच में घनी आबादी में भट्टा आपका चल रहा है जिससे यहाँ पर नुकसान हो सकता है, क्या आपकी शिकायत भी हुई है, क्या है कहना है इस पर आपका? भट्टा का लाइसेंस जो है बहुत पहले से सर्वे होकर के मानक के अनुरूप जारी है लाइसेंस, और मानक के अनुरूप चल रहा है। कितनी दूरी है गांव से स्कूल की और भट्टे की? स्कूल से दूरी 350 मीटर। कितनी दूरी होनी चाहिए? 100 मीटर। 100 मीटर होनी चाहिए। गांव की आबादी से 150 मीटर पे भट्टे का निर्माण हो रहा है, जिससे इसमें से उड़ने हुई धूल और इसकी जो है इसके धुआं निकलेगा, जिससे हमारे प्राइमरी विद्यालय है, जूनियर विद्यालय है, इससे आंगनबाड़ी केंद्र है, इससे दूरी जो है 100 मीटर है, 120 मीटर। इससे हमारा देश, हमारे गांव की जो है वातावरण प्रदूषित होगा, इससे बाग बगीचे, यहां पर पढ़ने वाले बच्चे, हमारे जो भी बच्चे स्कूल जाते हैं उनको प्रदूषित होंगे, ये बीमार होंगे, तो इनकी जिम्मेदारी लाइबिलिटी किसकी बनेगी? क्या इसकी जिला प्रशासन लेगा जो इसकी अनुमति दे रहा है यहाँ पर भट्टा चलाने की? जबकि हमने जो गजट निकलाया उस गजट में 1 किलोमीटर का प्रावधान है, गांव की आबादी से यदि 150 भी लोग रहते हैं तो उससे 1 किलोमीटर दूरी पे होना चाहिए। कितनी आबादी है इस गांव? 2000 आबादी है। इसके जस्ट बगल में जुड़ा हुआ रामपुर गांव है, दोनों ग्राम सभाएं एक हैं, रामपुर इमादपुर दोनों रेवेन्यू गांव हैं, लेकिन वो गांव भी परिधि से 200-250 मीटर की दूरी पे आता है। किनका भट्टा है ये? ये भट्टा है गाँव के इंद्रसेन सिंह का है।